नमस्कार जोहार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपका भी और आपकी टीम का भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है। चुनाव से पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को आप? सर्वप्रथम तो मैं हमारे आला कमान को प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव के पूर्व मुझे यह गुरुतर दायित्व का भार सौंपा है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम मैंने अपने 24 जिलों के 25 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जन संवाद कार्यक्रम के तहत। और पहले का कार्यक्रम हुआ संवाद आपके साथ, रामगढ़ से स्टार्ट करते हैं, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, आपके डाल्टनगंज होते हुए पूरा सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, आपका इधर चाईबासा, जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ होते हुए रांची में जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो आपने जो घूमा पूरा झारखंड अध्यक्ष बनने के बाद, हर संवाद किया अपने कार्यकर्ताओं से, तो क्या माहौल दिखा इस बार? कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा और सबसे बड़ी बात हुई कि पूरे कार्यक्रम में सभी जगह हम लोगों ने मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे अग्रणी संगठन के जो लोग हैं, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, ओबीसी कांग्रेस, एसटी कांग्रेस, माइनॉरिटी कांग्रेस, ये तमाम लोगों को वहां जगह देने का काम किया। वे बराबर नीचे बैठा करते थे और जो प्रदेश के नेता जाते थे वही स्टेज पर बैठते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोगों ने बदल के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे, हमारे मंत्री भी बैठे, हमारे विधायक भी बैठे, कार्यकर्ताओं को महत्व दिया और कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने महत्व दिया, मंच पर बिठाया पूरे और मंच पर और सभी जगह उन लोगों की, कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता हुई, मतलब संगठन के लोगों की प्राथमिकता हुई और दूसरे जो संगठन के लोग थे उन लोगों के साथ हम लोग एक साथ जमीन पर बैठने का काम किया और मंच उनको देने का काम किया सभी जिलों में। तो संगठन कितना मजबूत दिखा पूरे झारखंड में? काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तत्पश्चात मैंने हमारे जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी है पुरानी, उनकी मीटिंग किए, तमाम लोगों के साथ हम लोग बैठक किए, जिसमें हमारे प्रभारी, हमारे दोनों सचिव, माननीय दोनों सांसद सभी लोग उपस्थित हुए। थर्ड हम लोगों ने जब ये परिक्रमा कंप्लीट हो गया, मतलब लोगों से, मतलब संवाद आपके साथ, तब दूसरा हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया 30 तारीख को, जन संवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024, विधानसभा 2024। और उसके तहत हमने प्रखंड के सभी अध्यक्षों को, जिला के सभी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षों को, एआईसीसी के माननीय सदस्यों को और हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों को, करीब 800-900 की संख्या में लोग आए हुए थे, उनके साथ हम लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। और विधानसभा चुनाव लक्ष्य 2024 को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री माननीय बघेल साहब आए हुए थे, हमारे प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम मीर अहमद साहब थे, माननीय सप्तगिरी उलाका जी थे, शंकर उलाका जी, डॉक्टर श्री बेला प्रसाद थे सचिव, ये दोनों हमारे सांसद थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण भी इसमें थे, बड़े सभी वरिष्ठम नेता उसमें उपस्थित थे और चुनाव के लिए सभी को तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। उसके पश्चात हम लोगों ने 2 तारीख को महात्मा गांधी के जन्मदिवस
लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया पुष्पांजलि प्रदेश कार्यालय में ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी की 2 तारीख से चुनावी अभियान महात्मा गांधी की वाटिका जो है मोराबादी में वहां हम लोगों ने माल्यार्पण कर सभी लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और हम लोग गए बीजूपाड़ा। बीजूपाड़ा महात्मा गांधी में महात्मा गांधी के बहुत ही सच्चे अनुयायी आज भी हैं और उस समय भी थे आजादी की लड़ाई में, तो वह टाना भगत लोग थे। तो स्वतंत्रता सेनानी सोमा टाना भगत का जन्मदिवस था, उसी दिन महात्मा गांधी का जन्मदिवस था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस। तो हम लोगों ने तीनों की वहां उनकी मूर्ति उस दिन से आप लोगों ने चुनावी यात्रा शुरू प्रारंभ की और तो अब तो चुनाव इसके तत्काल बाद हमारे प्रभारी के निर्देश के अनुसार हमारे कंपेन कमेटी के जो चेयरमैन सुबोध जी हैं, हम लोगों ने बैठ करके जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं ठीक दुर्गा पूजा के पहले विभिन्न प्रमंडलों में इस संवाद कार्यक्रम में भेजने का कार्यक्रम किया, जिसमें माननीय सुबोध कांत साहा जी बोकारो धनबाद जरमुंडी होते हुए गए, माननीय बालमुचे जी रांची सिमडेगा कोलेबिरा कई जगहों पर गए, हमारे राजेश ठाकुर जी बोकारो धनबाद होते हुए चतरा कई जगहों पर गए। तो रिस्पांस कैसा है? काफी उत्साह लोगों में दिखा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लातेहार से लेकर सदबरवा होते हुए लेकिन हर जगह गढ़वा प्रणाम। ये बताइए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सीट तो हुई नहीं, तो क्या कारण रहा था उस समय? देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग जो ट्राइबल सीटें थी, चाहे वह चाईबासा की हो, खूंटी की हो, हमारे बगल में इधर जो जेएमएम या गठबंधन के हॉर में जो हो, वह सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। और यहां भी काफी रांची में भी बहुत अच्छा हम लोगों को वोट आया, क्योंकि नई प्रत्याशी थी, कोई पुराने लोग रहते तो और अच्छा बेटर कर सकते थे। दूसरे जगहों में भी थोड़ा सा धनबाद में भी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अंतिम समय में दिया गया, कम समय में उनको मौका मिला। आपको लगता है कि लोकसभा में थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत थी? दिक्कत मतलब थोड़ा यही चीज पहले हुआ रहता तो बेटर रिजल्ट होता। अच्छा, तो इस बार आप लोगों ने भी तो पहले नहीं किया, बहुत लास्ट मोमेंट में किया। देखिए हम लोग सभी उम्मीद थे कि सरकार स्मूथली काम कर रही है, नियत समय पर चुनाव होगा। एक बार चुनाव आप देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी एक बार में चुनाव हुआ, लेकिन हमारा छोटा राज्य है, 81 विधानसभा क्षेत्र है, यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, न भी नक्सलाइट की प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां 2 बार कर दिया गया। यहां भी एक बार होता तो अच्छी बात थी, तो इसलिए आप मानते हैं कि एक ही चरण में होना चाहिए था? हाँ, एक ही चरण में होता तो और बेटर होता और नियत समय पर होता। समय से पहले हो गया चुनाव? समय के पहले हो रहा है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में, एक में 43 एक में 38 को डिवाइड किया गया और यह चुनाव संपन्न किया जाए। यहां कोई प्रॉब्लम, यहां भी एक यह जब महाराष्ट्र में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं? तो समय से पहले चुनाव कराया गया इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो रही है? समस्या नहीं, हम लोग उसका हल कर लिए हैं मोटा मोटी, हम लोग आपस में गठबंधन के साथ ही बैठ करके इसका समाधान कर लिए। अभी भी कुछ उम्मीदवारों के नाम भी बाकी है? हाँ, कुछ उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं, वो अभी शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। कल भी हम लोगों की सीईसी की बैठक जूम के माध्यम से हुई थी और हम लोगों ने जो पाकुड़ में अभी तक जो उम्मीदवार आप लोगों ने उतारा है मैदान में, उस उम्मीदवार से जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, कितना संतुष्ट आप अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं कि उम्मीदवार जो कितने सही उतारे गए हैं? देखिए इस बार आप लोगों ने काफी नौजवान और महिलाओं को काफी तरजीह दी। पहले भी महिलाओं को हम लोगों ने तरजीह दिया था,
पहले भी बड़का गांव से अंबाजी लड़ी थी, ममता जी लड़ी थी, यहाँ से पूर्णिमा जी वहां से लड़ी थी, दीपिका लड़ी थी, इसलिए कोई ये बात नहीं है। महिलाओं को तो हम लोग स्थान देते ही हैं, हमारे सभी वर्गों को हम लोगों ने साधने का काम किया है। और माननीय राहुल जी का जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हम जो है सेंसस ओबीसी का कराएंगे, ये सारी बातें हैं। और खास करके जो हमारे बेसिक वोट्स हैं, ट्राइब्स हैं, हमारे माइनॉरिटीज हैं, हमारे दलित पिछड़े हैं और हमारे दलित वर्ग के लोग, तो हम लोग उन लोगों पर भी ख्याल रखे हैं। लास्ट बार हम लोग 3 सीट पर चुनाव लड़े थे एससी सीट में, इस बार 2 सीट में हम लोगों का, और तीसरा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यदि एडजस्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो दो, तो हमारा कांके और छतरपुर जो आरजेडी के साथ था, हम लोगों का जमुआ भी था और वहां अच्छी कैंडिडेट, अच्छा साइजेबल वोट लाई थी, लेकिन बीजेपी में चली गई। अच्छा एक चीज बताइए केशव जी, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं, बिहार में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वहां पर, दल बदल जो होता है, दल बदल करके जो चुनाव के समय में दल बदल करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा नहीं लोकसभा चुनाव में, जो समय चुनाव के वक्त दल बदल करते हैं? देखिए हम लोग का प्रयास रहता है कि जो ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे अरसे से पार्टी की सेवा की, प्राथमिकता हम लोग उन्हीं को देते हैं मैक्सिमम जगह पर। एक आध अवकाश के रूप में हम लोग उनकी जीत की संभावना को देखते हुए हम लोग उस देने का काम करते हैं, लेकिन अधिकतर सीटें हम लोग अपने कांग्रेस जन को ही देने का काम करते हैं। अब आते हैं चुनाव पर। चुनाव में सबसे पहले तो बताइए गठबंधन कितना एकजुट है, इंडिया गठबंधन? देखिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, थोड़े बहुत 2-1 सीटों के लिए जीत होती है, लेकिन फिर उसका भी हम लोग समाधान निकाल लेते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर दो दो कांग्रेस के भी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, आरजेडी के भी हो गए हैं, जैसे विश्रामपुर। देखिए विश्रामपुर सीट हम लोगों को कहा गया था कि कांग्रेस के कोटे का होगा, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के पहले उन्होंने राजद अपना सीट दे दिया। उन बातों, उन पहलुओं पर संभवतः तो आज हम लोगों की तुरंत बात होने वाली है, इसका भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जब गठबंधन बना, आप लोग 3 लोग थे, 70 सीट का आप लोगों ने कह दिया कि जेएमएम और कांग्रेस 70 सीट लड़ेगी, बाकी 11 सीटों में जो आपके सहयोगी हैं वो उतारेंगे, लेकिन काफी जो आरजेडी की तरफ से खास करके ये किया गया कि नहीं ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, तो उसका एक मैसेज नहीं जाएगा, आपको लगता है कि गलत मैसेज चुनाव के समय में? देखिए गत बार 2019 के चुनाव में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ हम लोग का हुआ था, 31 सीट पर हम लड़े थे, 7 सीट पर वह राजद लड़ी थी और बाद बाकी आपका उनका था, तो उसी को हम लोग आधार मानते हुए, राजद वाले बोल रहे थे नहीं पहले हम लोग ज्यादा सीट में लड़े थे, आप लोगों ने 7 सीट घोषणा कर दिया, तो हम लोग जहां बैठे हुए थे हम लोग ने कहा कि भाई देखिए हम लोग एक नया साथी हम लोगों के बीच आ रहा है, वो है माले, जो मासस भी उसी में कन्वर्ट हो गया, तो माले नया सहयोगी है, अच्छी बात है, तो इसलिए उनको जो हम लोग सीट देंगे तो 1 सीट हम अपनी ओर से देंगे जेएमएम, 1 सीट कांग्रेस देगा, तो आपको भी थोड़ा सा 7 सीट से नीचे हटना होगा। तो उसी में थोड़ा बहुत पहली बैठक थी, हम लोग सोचा कि नहीं हम लोग तो सीट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर ये तय हुआ आपस में कि छतरपुर कांग्रेस लड़ेगा, क्योंकि 2 सीट जमुआ और सिमरिया हम लोग जेएमएम ले लिया, तो हम लोग कम से कम 2 सीट होगा, लेकिन उसी आधार पर हम लोगों ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो अब देखना है कि फिर आपस में हम लोग बैठते हैं क्या इसका अंतिम फैसला होगा। तो आप लोग क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि 5 साल सरकार में भी रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे? देखिए हम लोगों के पास चुनावी मुद्दों की कमी नहीं है, आज
इंडिया गठबंधन की के कैंडिडेट को आम जनता लोक लेगी, इसलिए कि 5 वर्ष की काल अवधि में 2 वर्ष आपके कोरोना में चले गए और कोरोना के पीरियड में जिस तरह से प्रवासी या सभी बाहर के मजदूर से लेकर अंदर राज्य के अंदर के लोगों को हर तरह की सुख सुविधा और उनको सहायता दी गई और इस वैश्विक कोरोना काल में भी झारखंड का एक ऊंचे स्थान पर नाम हुआ, दूसरे राज्यों से यहां का नंबर 1 रहा। उसके बाद हमारा 3 साल का वर्ष तो था, हमारा कोष भी खाली था, लेकिन हमारे कुशल वित्त मंत्री जो सीएलपी के नेता है, उन्होंने धीरे धीरे आर्थिक मामले को मजबूत करने का काम किया आंतरिक संसाधनों के माध्यम से। तो धीरे धीरे हमारी विकास की योजनाएं चलते गई। आज यद्यपि हमको केंद्र का बकाया आज भी 1,36,00,000 रुपया नहीं मिला है, फिर भी आप देख रहे हैं जगह जगह पर रोड, पुल, पुलिया से लेकर जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, हमारे उत्पाद विभाग के लोग हैं, शिक्षक हैं या युवा हैं, महिला हैं, आज हम लोगों ने मुफ्त बिजली 200 यूनिट देने का निर्णय लिया है गठबंधन की सरकार ने। अब वो आवास जब सेंट्रल से हम लोगों को पैसा आना बंद हो गया प्रधानमंत्री आवास का, तो सरकार ने अबुआ आवास बनाने का निर्णय लिया और आज कहीं किसी को पूछेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास लेंगे कि अबुआ आवास लेंगे, तो स्पष्ट कह देगा कि नहीं, हम अबुआ आवास लेंगे। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये क्रांति ला दिया है। माननीय राहुल जी ने 5 गारंटी दिया था, जुआ के लिए आपका जुआ न्याय, महिला न्याय, हमारा श्रमिक न्याय, तो कृषक किसान न्याय, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज गठबंधन की झारखंड की सरकार ने जो पहल की और 1,000 रुपया प्रति महिला को देने का काम किया, इससे एक घर में यदि 5 महिलाएं हैं तो 5,000 रुपया पर महीना उनका इनकम हुआ, उनका आर्थिक विकास हुआ, उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया, वो अपने पैर पर खड़ा होने लगा, अपने बच्चों को सही जगह पर पढ़ाने लिखाने से लेकर जरूरतमंद चीजों को यह करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि हर तरह से, चाहे हुआ रोजी रोटी कपड़ा मकान, यही सब तो लोगों का है, धोती साड़ी योजना चल रहा है, सर्वजन पेंशन योजना चल रहा है, सभी लोगों को पेंशन, विधवा पेंशन, हर तरह का योजनाओं से आम लोगों को, युवा वर्ग को, महिलाओं को, स्टूडेंट को लाभान्वित करने का काम यह। और लेकिन आपके विरोधी खास करके किसान जो वर्ग, सारी दुनिया का आधार एक किसान और एक मजदूर होता है। किसान खेतों में चिचियाती धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, मूसलाधार बारिश हो, अपना हल बैल लेकर खेतों में जाता है और धरती की कठोर धरती को चीर कर हुआ अन्न उत्पादन करता है, इसलिए वह विश्व अन्नदाता कहलाता है, विश्व का भरण पोषण करता है। वैसे किसानों के लिए जो पूर्व की सरकारें रही हैं उतना हमदर्दी और कोई ये काम नहीं की, लेकिन इस सरकार ने पहले 50,000 रुपया कृषि ऋण माफ करने का काम किया, उसके बाद 2,00,000 रुपया काम करने का किया। यह गरीबों के लिए है, ये सरकार आम लोगों के लिए है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि 5 साल में आप लोगों ने नौकरी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जो वादा करके आए थे वो वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि टीचर में कितने हजारों की संख्या में नियुक्ति हुई है कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। आपका सहिया या हमारे दूसरे महिलाओं का कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से ये कार्यक्रम चला है। अभी उत्पाद सिपाहियों का कितना बहाली हुआ है, तो हजारों की संख्या में झारखंड के लोगों को बहाल किया गया है। आपके विरोधी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, जो हेमंत बिस्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, यहाँ के सह प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं
कि घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकालेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने समझना चाहिए। घुसपैठिया को लात मार के उनको तो इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घुसपैठिए यदि यहां बांग्लादेशी आए हैं झारखंड में, तो बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा किन के हाथ में है? क्या वह गृह विभाग होम मिनिस्टर में नहीं आता है? इतने दिन तक, 5 वर्ष तक इन्होंने क्यों इस सवाल को नहीं उठाया? आज तक कहीं भी 1, 2, 3, 4, 5 घुसपैठियों को चिन्हित करके निकाले हैं? क्या वह अडानी के पावर प्लांट में छिपे हुए हैं? उनको तो ये बताना चाहिए। उनके साथ में एजेंसी है, हर तरह की एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। आप मैया योजना दे रहे हैं, वो गोगो दीदी योजना लाए। क्या गोगो दीदी योजना? ये चुनावी स्टैंड है। हम तो सभी के खाते में पैसा भेज रहे हैं और फिर दिसंबर से हम लोग 2,500 रुपया देंगे। वो तो बीजेपी के फॉर्म में लोग भरवा रहे हैं। गांव की गरीब जनता को ये लोग बरगला रहे हैं। वो सरकारी नहीं है क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म है? अशोक चिन्ह लगा हुआ है या कहीं का है? आप एक साधारण फॉर्म में कमल फूल छाप दे करके लोगों से भरवा रहे हैं कि हम लोग देंगे, ये देंगे, वे देंगे, 2,000 देंगे 2,000। ये सिर्फ इनका चुनावी स्टैंड है। और हम लोग तो सही नोटिफिकेशन निकाल करके 1,000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं और दिसंबर से 2,500 रुपया और भेजेंगे। इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसी तरह से घबरा गई है ये बीजेपी, इसी से घबरा। यस, पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा ये बताइए, तो कांग्रेस में भी तो नाराजगी है, कई लोग पार्टी भी छोड़ रहे हैं, मौजूदा विधायक भी पार्टी छोड़ दिया है, उमाशंकर अकेला पार्टी छोड़ दिए हैं। देखिए, उमाशंकर अकेला जी सम्मानित हमारे नेता हैं। आप देखिए क्या होता है, उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी। देखते जाइए ना फिर क्या होता है, अभी कुछ होगा। बिल्कुल, कांग्रेस को कोई छोड़ सकता है? आज राधा कृष्ण किशोर 5 बार का MLA फिर आया ना कांग्रेस में, ज्वाइन किया ना उन्होंने। वो बेस्ट MLA जब उनको घोषित किया गया था तो उन्होंने मंच से, जहां गवर्नर, मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर थे, कहा कि मेरा आदर्श श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो उन लोग के रग रग में कांग्रेस समाया हुआ है। किसी कारण वो भटक जाते हैं लेकिन फिर उड़ के वही जहाज की पक्षी पुनः जहाज में चली आए। तो क्या आप उम्मीद लग रहा है इस बार आपको? हम लोग से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से पुनः भारी बहुमतों से जीतेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है क्या ऐसा? देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो आपके घर में भी बच्चे, वाइफ, पुतोई, बहन, सब लोग तो सरे भाई लोग रहते हैं, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन तब तक जब तक टिकट नहीं मिलता है, टिकट मिलने के बाद सब जो अधिकृत प्रत्याशी होता है उसके लिए काम करते हैं और उनको विजय श्री दिलाने का काम करते हैं। इस बार तो बीजेपी के कई लोग JMM ज्वाइन कर लिए, छोड़ दिया पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो आप ही ने शुरू में कहा, प्रारंभ में ही, कि चुनाव के दरमियान में कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर है, पलटू मार जैसा करते रहते हैं। कुछ परसेंट, कोई मास लेवल पर नहीं, ये होते रहता है, इसको कोई थोड़े रोक सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वक्त देने के लिए केशव जी, कि आपने व्यस्त समय में से हम लोगों को टाइम दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत 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 बहुत, आपकी टीम को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।